जी हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में लेटेस्ट जानकारी। तो चलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, रिसेंट में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो, यही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो लगातार वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि भर्ती आने वाली है, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिसके द्वारा जारी किया गया है वह डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पर वेबसाइट के मुताबिक यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन अपडेट नहीं किया गया है, पिछले महीने भी और ना ही इस महीने पर। जो यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डेट दी गई है, ये डेट है 4/7/2019 की, यानी कि 4 जुलाई 2019 की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है, तो फिर भी मैं आपको जो रियल है और फेक है उसको एक साइड में रख करके जो जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है वो जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। इसके मुताबिक कौन लोग इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल हो गए, और साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जब भी कुछ इस तरह के किसी भी डिपार्टमेंट को लेकर के नोटिफिकेशन वायरल हुए हो, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो, उसके बाद ही भर्ती जारी हुई है। मैंने पीछे देखा था रेलवे में इस तरह का एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, फिर मैंने देखा था कि हरियाणा के अंदर कनाल पटवारी ग्राम सचिव का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था जो कि बाद में फेक साबित हुआ, और अब जाकर के वो भर्ती जारी हो गई है। तो इस प्रकार से आप ये मत मानिए कि ये बिल्कुल ही फेक हो सकता है, आने वाले कुछ दिनों में शायद भर्ती रिलीज हो जाए। तो चलिए अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताता हूँ पूरी जानकारी। यहाँ पर दिया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस, इंट्रोडक्टरी यहाँ पर जो दी गई है, दिस स्टैंडिंग ऑर्डर डील्स विद द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस इन अकॉर्डिंग विद रूल 10 ऑफ दिल्ली पुलिस। तो यहाँ पर एक जो बेसिक सी जानकारी है जो कि एवरी नोटिफिकेशन के अंदर दी होती है, जो मेन जानकारी है वह आपके एलिजिबिलिटी के बारे में, तो मैं आपको वो मेन जानकारी बताता हूँ। यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि जो रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन होगा किस प्रकार से रहेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि PE and MT। पहले आपका रिटर्न एग्जाम भी होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसमें आपको क्वालिफाइंग होना है, इसमें यह नहीं कि आपको मार्क्स लाने हैं। तीसरा है आपका टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इसमें आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपका जो फोर्थ है वो है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, ये भी क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें आपको क्वालिफाई होना होगा। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और मेजरमेंट टेस्ट क्या होता है इसकी जानकारी मैं आपको आगे से नोटिफिकेशन में देने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है, इसमें 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी कि जो SC कैटेगरी से है उनको 15% आरक्षण दिया है, और 7.5% ST कैटेगरी को आरक्षण दिया है, 27% OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स को आरक्षण दिया गया है, इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, जो इसके द्वारा जारी की गई थी एक विज्ञप्ति उसके अनुसार। और यहाँ पर कुछ और कैटेगरी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर आप नीचे आओगे तो आप देखोगे एजेंटियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जरूरी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी जिसको 12वीं बोलते हैं पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करो उस वक्त आपके पास 12वीं पास की योग्यता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर इन्होंने दिया है एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आप फॉर्म फिलअप करो उस वक्त आपका 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने दिया है प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, इसमें आपको बताया है स्पीड इन इंग्लिश टाइपिंग 30 words per minute, स्पीड इन हिंदी टाइपिंग 25 words per minute, यानी कि या तो आपको इंग्लिश टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें कि आपकी स्पीड 30 words per minute होने चाहिए, या फिर आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें कि आपकी स्पीड 25 words per minute होने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इनमें से कोई एक टाइपिंग भी आती है तो आप इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। और साथ ही अब आपके मन में सवाल आएगा जो हिंदी टाइपिंग होगी वो कौन से फॉन्ट पर होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी हिंदी टाइपिंग होगी वो कृतिदेव और मंगल दोनों फॉन्ट पर की जाएगी, आप चाहे किसी भी फॉन्ट से कर सकते हो। एज लिमिट, यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है,
और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल है, यानी कि जिन कैंडिडेट्स की उम्र 18 से 25 साल के बीच होगी वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ कैटेगरी को आयु सीमा के अंदर छूट भी दी जा रही है। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जा रही है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट आयु सीमा के अंदर दी जा रही है, और जो बाकी की कैटेगरी है उसके लिए भी आप यहां से इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो। मैं आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देने वाला हूं, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जानने में। यहाँ पर दिया है 6 पॉइंट के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। सबसे पहले आता है फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर है, रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फोर, यानी कि अगर आप नॉर्मल हो तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, पर अगर आप इन रेजिडेंट या फिर इन एज से हो जो यहाँ पर दिए गए हैं नीचे आप देख सकते हो, तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट आपकी हाइट में दी जा रही है। नीचे दूसरे पॉइंट में आप आओगे एसटी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स को भी 5 सेंटीमीटर की छूट आयु हाइट के अंदर दी जाएगी, माफ़ कीजिएगा। तीसरा है यहाँ पर सन्स ऑफ अदर सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज दिल्ली पुलिस पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस, यानी कि अगर आप एक्स सर्विस हो या फिर रिटायर्ड हो या फिर दिल्ली पुलिस के पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस हो, तो आपको ऐसी स्थिति में भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा आपकी हाइट के अंदर। अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेंट ग्राउंड्स, यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपनसेंट ग्राउंड्स भी दिया जाएगा। आपका अगला आता है चेस्ट, मिनिमम 78 सेंटीमीटर और जो आपकी फुलाकर के है वो 82 सेंटीमीटर होना हो जाना चाहिए, जिसमें कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव यानी कि एक्सपेंशन जरूरी है। रिलैक्सेबल बाय 5 सेंटीमीटर फोर, अगर आप यहाँ से हो तो आपको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। सेम जान नीचे भी है, अगर आप एक्स सर्विस मैन हो तो आपको तब भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, एसटी कैंडिडेट्स हो तो आपको तब भी, अगर आप रेजिडेंट ऑफ हिल एरिया से हो तो आपको तब भी दी जाएगी, और जो बाकी की ऊपर शर्तें थे वही शर्तें यहाँ पर भी रखी गई है। अब आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग रहेगा, यानी कि आपको ये बस क्वालिफाई करना है, इसमें ये नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क लाने हैं। फोर मेल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी एजेंडर, यानी कि इस प्रकार रहेगा, इसमें आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी शामिल हैं और ये एक्स सर्विसमैन भी। एज अप टू 30 ईयर, यानी कि जिनकी 30 साल से ज़्यादा एज है उनके लिए जो रेस रखी गई यानी कि दौड़ रखी गई है वो 1600 मीटर है, और जो कि उनको 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी, और अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हो तो आपको 8 मिनट का समय दिया जाएगा रेस पूरी करने के लिए 1600 मीटर की, और अगर आप 40 साल से ज़्यादा की आपकी उम्र है तो आपको 9 मिनट का समय दिया जाएगा 1600 मीटर रेस पूरी करने के। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने अभी तो बताया कि जो आपकी फॉर्म फिलअप की आयु सीमा है वो मैक्सिमम 25 साल है, पर आपने अगर आप नीचे देखोगे तो वहाँ पर आयु सीमा को के अंदर छूट मिला करके किसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 40 साल से ज़्यादा की भी हुई है, तो उनके लिए ये काम आएगी यहाँ पर रेस में। आगे आता है लॉन्ग जंप और हाई जंप, यहाँ पर जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनको 12.5 फीट का जो लॉन्ग जंप है वो करना होगा, और हाई जंप 3.5 फीट, और अगर आप 30 से 40 साल के बीच में हो तो आपको 11.5 फीट का लॉन्ग जंप और हाई जंप आपको 3.25 फीट का करना होगा, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आपको 10.5 फीट का लॉन्ग जंप करना होगा और हाई जंप आपको 3 फीट का करना होगा। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर नोट करके दिया है, दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी एलिजिबल टू अपियर इन द लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, यानी कि जो लोग जो आपकी रेस है वो क्वालिफाई कर जाएंगे वही लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप को अगले प्रोसेस को दे पाएंगे। लॉन्ग जंप एंड हाई जंप मस्ट बी क्लियर्ड इन एनी ऑफ दी 3 चांस, यानी कि आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप करने के लिए 3 मौके दिए जाएंगे, आपको उन्हीं 3 चांस के अंदर इसको पूरा करना होगा। देयर शैल बी नो अपील अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन इन रेस लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, यानी कि अगर आप रेस में फेल हो जाते हो या फिर आप लॉन्ग जंप या हाई जंप में फेल हो जाते हो 3 चांस के बाद भी, तो आप वहाँ कोई अपील नहीं कर पाओगे, आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब आती है फीमेल कैंडिडेट की आपकी हाइट, फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है और इन एरियाज के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है,
और बाकी जो यहाँ पर और शर्तें थी जो मैंने आपको मेल कैंडिडेट्स में बताया वही शर्तें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जो एससी एसटी है दोनों के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग ये फीमेल के लिए है, ये भी जान लीजिए। इसमें भी जो आपके वीडियो है, डिवोर्स्ड है, जुडिशियली सेपरेटेड है, वुमेन कैंडिडेट्स एज वाइज विल बी एज अंडर इस प्रकार से रहेगा। अप टू 30 ईयर्स, जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है उनको 800 मीटर की रेस 5 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप उनको 9 फीट का करना होगा और हाई जंप उनको 3 फीट का करना होगा। जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है उनको 800 मीटर की रेस पूरी करने के लिए 6 मिनट का समय दिया जाएगा। लॉन्ग जंप 8 फीट का रहेगा और हाई जंप 2.5 फीट का रहेगा। जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है उनको रेस 7 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी 800 मीटर की। लॉन्ग जंप 7 फीट का करना होगा और हाई जंप 2.5 फीट का करना होगा, सॉरी 100 फीट का करना होगा। और यहाँ पर जो शर्तें मेल कैंडिडेट्स के अंदर रखी गई है, यानी कि अगर आप हाइट में, सॉरी हाइट में कहता हूँ, रेस में या फिर लॉन्ग जंप में या हाई जंप में फेल हो जाते हो तो आपको दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर नोट करके दूसरा पॉइंट है, दी फीमेल कैंडिडेट्स हु आर प्रेग्नेंट एट द टाइम ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट मे नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। हर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट मे बी कंडक्टेड आफ्टर द पीरियड ऑफ कन्फिनमेंट एंड टिल देन रिजल्ट ऑफ सच केसेस मे बी कैप्ट इन ए सील्ड कवर। यानी कि जो लोग, जब आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल इफेंसिव टेस्ट होगा और आप फीमेल हो और उस वक्त आप प्रेग्नेंट हो यानी कि गर्भवती हो, तो ऐसी स्थिति में आपको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। आपको जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक का समय दिया जाएगा। जब आप दोबारा से फिट नहीं हो जाते तो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा और आपको लेकर के आपका जो रिजल्ट रहेगा वो कवर के अंदर, सील्ड कवर के अंदर रख दिया जाएगा। जैसा भी रिजल्ट रहेगा आपको बता दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप एग्ज़ाम दे चुके हो और जब आपके फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बारी आए उस वक्त आप प्रेग्नेंट हुए, तो ऐसी स्थिति में आपका जो कैंडिडेचर है यानी कि जो आपका वहाँ पर एक सीट बुक है उसको रद्द नहीं किया जाएगा, आपको दूसरा मौका दिया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ये भी जान लीजिए, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई दी एंड्योरेंस टेस्ट। यानी कि जो लोग फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई करेंगे, सॉरी जो लोग फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करेंगे उन लोगों को ही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दिया जाएगा, यानी कि वही लोग दे सकते हैं। नो फिजिकल एंड्योरेंस एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। यानी कि अगर आप विकलांग हो तो आपसे ना तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और ना ही फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहां पर चेक कर लीजिए कि किस प्रकार से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमिनिंग एज लिमिट ये आप यहां से रीड कर लीजिए। आप यहां पर जैसे नीचे आओगे तो यहां पर आपको जो हाइट के अंदर छूट दी जा रही है वो आप यहां पर चेक कर लीजिए। हाइट मेल फीमेल के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है और चेस्ट मेल के लिए ओनली 5 सेंटीमीटर की छूट यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर एक नीचे आता है आपका सिलेबस, नहीं सॉरी, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस, यानी कि किस प्रकार से ये आपका रहने वाला है। मैं आपको इसकी जानकारी एक अन्य वीडियो के अंदर देने वाला हूँ जो मैं अभी इस वीडियो के बाद बनाने वाला हूँ, और इस वीडियो में आपको इस सिलेबस और जो सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी है उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वैसे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आप चाहे तो उसको डाउनलोड करके इस जानकारी को अपने आप ही रीड कर सकते हो, पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ सिलेबस के ऊपर तो आप वो मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसी आपकी आयु सीमा है, कितनी हाइट है, और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि आपका जो कंप्यूटर टेस्ट है इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग वो किस प्रकार से रहेगा, उसमें आपको कितने मार्क्स लाने होंगे और डिसक्वालीफाई आप कितने मार्क्स पर हो सकते हो, ये यहाँ पर टेबल दी है, ये भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। और यहाँ पर कुछ और जानकारी है कि किस प्रकार से आपको कितने वर्ड्स की टाइपिंग के अंदर छूट दी जाएगी। वैसे मैं आपको जो मेन टाइपिंग है इसके ऊपर भी एक अन्य स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपको उसमें किसी और जानकारी मांगने की आवश्यकता ना पड़े और आपका जो फोकस रहे वो टाइपिंग के ऊपर ही रहे, तो मैं आपके लिए उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी जानकारी दिल्ली पुलिस
लेटेस्ट रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में जो कि जल्द ही आने वाली है एज पर दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो। मैंने आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सच्चाई पहले ही बता दी है कि ये अभी तक ऑफिशियल नहीं माना जाएगा तब तक ये जब तक ये दिल्ली पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश नहीं हो जाता। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले क्योंकि उससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।